लेट्स टॉक अबाउट ब्रेकअप। एक रिलेशनशिप की शुरुआत बहुत ही हैप्पी मोमेंट्स के साथ होती है। लड़का और लड़की जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तब कई सारी हैप्पी मोमेंट्स बनती है। दोनों अपनी अपनी लाइफ में एक दूसरे को प्रायोरिटी बना लेते हैं। धीरे धीरे वो खास इंसान कब आदत बन जाए पता ही नहीं चलता। उस इंसान के साथ बिताई हर बातें मीठी लगती है। विश करते हैं कि ये टाइम यही रुक जाए, इस मोमेंट से कभी बाहर ना निकले, एंड उस पर्सन को परमानेंट सोचकर खुद को सिक्योर मानते हैं। पर लाइफ इतनी आसान कहाँ। एक शब्द जो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल देता है वो शब्द है ब्रेकअप। जब दोनों में से किसी एक की मर्जी से रिलेशनशिप एंड होता है, जो हैप्पी मोमेंट्स हैप्पी मेमोरीज साथ में बनाई थी, अब वो धीरे धीरे जहर जैसे लगने लगती है। उस खास इंसान को खोना नहीं चाहते, पर अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। जो बातें सोचकर सुकून मिलता था, अब वही बातें यादें बनकर दिल को जख्म देती है। ब्रेकअप किसी एक की मर्जी से होता है और वो इंसान बड़ी आसानी से मूव ऑन भी कर लेता है। पर वो इंसान जो अब भी प्यार करना चाहता है, अब भी रहना चाहता है, उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। कहते हैं दिल टूटने की कोई आवाज नहीं होती, बट व्हेन इट कम फ्रॉम इनसाइड, पर्सन का होल सिस्टम हिल जाता है। चाहे वो करियर हो, गोल्स हो जिसमें तुम सबसे ज्यादा पैशनेट हो, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, कुछ नजर नहीं आता। लाइफ अनवर्थी फील होने लगती है। देयर इज नो मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड। दिस इज फाइट बिटवीन यू अगेंस्ट यू। मुझे अपना भाई समझो। जो चीज तुम फेस कर रहे हो वो मैं भी कर चुका हूँ, और आई थिंक ये आज के जनरेशन की लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है और एक बहुत बड़ा लेसन भी। मुझे पता है ब्रेकअप के बाद ऐसा लगने लगता है कि इस पेन से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, पर यकीन मानो ये सिर्फ एक बीमारी की तरह है। इसे निकलना मुश्किल जरूर है, लेकिन तरीका पता हो तो बड़ी आसानी से मूव ऑन भी कर लोगे। तो टेंशन मत लो, आज सबकी ये स्टोरी है, तुम्हारा दर्द मैं जानता हूँ, इसलिए इस चीज से बाहर निकलना चाहता हूँ, जो कि बहुत जरूरी है। अगर नहीं निकले तो अंदर ही अंदर खोखले होते रहोगे, फिर खुद पर ही गिल्ट आएगी और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो थोड़ी कमर कस लो और थोड़े स्ट्रांग हो जाओ। मैं तुम्हें बताऊंगा इस पेनफुल जर्नी को रोर करके कैसे पार करोगे। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। नंबर वन, थिंक मोर अबाउट मूव ऑन रेदर देन रिवेंज। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि आफ्टर ब्रेकअप दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि बदला कैसे लूं, उसको कैसे दिखा दूं कि तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे एक दिन पछतावा जरूर होगा, ये वो। आफ्टर ऑल तुमने इतना टाइम स्पेंड किया है, ऐसा होना ही चाहिए। बट इसी सोच में हम अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं और ओवरथिंकिंग से ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये वो। देख भाई, वो इंसान अब जा चुका है, सो डोंट डू एनीथिंग। सुनने में अटपटा लग रहा है ना? आई नो, एक्चुअली यही वो टाइम होता है जब तुम में वो गुस्सा, वो पीड़ा, वो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लो हो रही होती है। अगर तुमने उसे यूज करना सीख लिया तो बहुत ही प्रोडक्टिव एनर्जी भी बन सकती है। जिसका यूज अगर तुमने राइट वे में कर लिया, देन यू विल बी अमेज आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स। माना कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन एक बार सोच कर देखो, चाहे वो न्यू स्किल्स हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, अपना सारा गुस्सा वहां पर निकालो। इंस्टेड ऑफ छपरी की तरह नशा करके शरीर खराब करना, यू कैन बिल्ड अ गुड बॉडी। अपने आप को लेवलअप करना है बस, एक स्टेप राइट डिसीजन की ओर बढ़ाना है, आफ्टर देन आप उस पाथ पर चढ़ते ही जाओगे। बट ब्रो, उसकी फोटोज देखकर, चैट्स पढ़कर पेन होता है, उसका क्या? नेक्स्ट थिंग इज वाइप आउट एवरीथिंग। जब तक चुभा हुआ कांटा पैर में रहेगा, चुभता ही रहेगा, बस एक बार दर्द होगा लेकिन खींच कर निकाल दो। समझे, जितना मेमोरीज को संभाल कर रखोगे हर्ट होना पक्का है, इसीलिए उस लड़की या लड़के की सारी मेमोरीज को मिटाने का गुदा रखो। अपने फोन से ढूंढ ढूंढ कर फोटोज, वीडियोस और चैट्स को डिलीट करो। बार बार इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर उनकी फोटोज देखते रहोगे तो सोचोगे कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश मुझे वो समझ पाती। यही चीज पेन और ओवरथिंकिंग देती है। सो जस्ट ब्लॉक योर एक्स। ये चीज थोड़ी हार्ड फील हो सकती है, आई नो, बट ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट थिंग इज इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ। अगर मैं कहूँ दिल टूटना, दिल की बात, दिल जुड़ना, ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं होता है तो कैसा लगेगा? ये सारी उपज हमारे दिमाग की होती है। जब भी हमें इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो तब हम उस बात को हार्ट से कनेक्ट करते हैं। डिप्रेशन, हैप्पी फीलिंग, सैड फीलिंग, ये सब दिमाग से कंट्रोल होता है, पर मेंटल हेल्थ पर वर्क करने से उसकी यादें, ये पेन, ये सब कैसे कंट्रोल होगा? लॉजिक समझो, एक्चुअली डीप ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है, यहीं से हमारे सारे के सारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं। उसके अंदर होती है अमिग्डाला नाम की जगह, जहाँ से फियर एंड एंगर कंट्रोल होते हैं। अब एंशिएंट इंडिया इज सो रिच इन मेंटल हेल्थ क्योंकि यहाँ के ऋषि मुनियों ने योग और आयाम बनाए। जब हम प्राणायाम और योग करते हैं तब अमिग्डाला की साइज कम हो जाती है, जिससे फियर एंड एंगर बड़ी आसानी से कंट्रोल हो सकते हैं। ये चीज साइंस ने भी मानी है। एज अ इंडियन हमें मेडिटेशन विरासत में मिली है, तो रोज सिर्फ 5 मिनट से शुरू करो। कैसे करोगे? एक शांत कमरा या जगह चुन के एक आसन बिछा कर आलती पालती मारकर बैठ जाओ। स्पाइन सीधी, आइज क्लोज करके कोई भी बीज मंत्र का चांट करो, जैसे कि ओम, राधा, हरि, कोई भी मंत्र बोलो। उस पे 5 मिनट फोकस करो। शुरू करो सिर्फ 5 मिनट से, यकीन मानो पहले दिन से पॉजिटिव फील होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज टाइम। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसके नीचे खड़े होते हैं तब बहुत बड़ी नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे छोटी नजर आने लगती है ना। टाइम वर्क लाइक दिस।
अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो बचपन की ऐसी कई मेमोरीज रही होंगी, जैसे कि स्कूल में फेल हो जाना, टीचर की मार खाना या किसी ऐसी जगह पर जाने से डरना। काफी छोटी बातें हैं ना, पर तब बहुत बड़ी नजर आती थी। लेकिन अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो खुद पर ही हंसते हैं। चाहे लाइफ की हैप्पी मोमेंट्स हो या सैड मोमेंट्स, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे दूर जाकर वैनिश होती रहती है या फिर मामूली बन जाती है। तो मेरे भाई, दिस इज नॉट परमानेंट फीलिंग, इस पे इतना फोकस मत करो। तुम्हारे गुस्से को इस तरह से वेस्ट मत होने दो, किसी अच्छी जगह पर लगा कर देखो। अगर इतना आपने कर लिया देन यू आर जॉर्ड, आधी कसमकस तो ये वीडियो देख कर ही जीत लिया आपने। तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा है जो ब्रेकअप को बहुत बड़ा मानकर बैठा है, शेयर करो उनको और उनकी हेल्प करो। And congratulations, you are now stronger than your past version. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना कर पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।